खबर कोलकाता से। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में तोड़फोड़ के पूरे मामले को लेकर 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। अधिकारियों के खिलाफ में विभागीय जांच भी होगी, यह आश्वासन दिया गया। आरजीकर हॉस्पिटल में 14 अगस्त को तोड़फोड़ की गई थी, हजारों की संख्या में भीड़ पहुंच जाती है, डॉक्टर्स एक तरफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और महिला के साथ में ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप और मर्डर के बाद प्रोटेस्ट लगातार की जा रही थी। इसी सब के बीच में एक भीड़ उग्र प्रदर्शन करते हुए अंदर घुस जाती है, हाथ में उनके तलवारें डंडे और भी कई सारा सामान होता है, तोड़फोड़ करती है। 14 तारीख की रात की ये पूरी घटना होती है और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। कई सारे ऐसे भी आरोप लगे कि साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश यहाँ पर इस उग्र भीड़ के द्वारा की गई है और पॉलिटिकली किसी विंग के द्वारा इस भीड़ को भेजा गया था, ऐसे तमाम आरोप लगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब एक्शन मोड में सरकारें नजर आ रही है। आरजीकर हॉस्पिटल में 14 अगस्त को जो कुछ भी तोड़फोड़ हुई उसको लेकर अधिकारियों को निलंबित किया गया है, कई सारी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले को लेकर की गई है। तोड़फोड़ के मामले में 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित फिलहाल एक्शन लेते हुए कर दिया है। पूरा मामला कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर आश्वासन दिया और कहा कि भरोसा रखिए और एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी यहां पर कोर्ट के द्वारा किया गया।